गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फोर, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो पिछले वीडियो में अपने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, आज अपने उसका होमवर्क करने जा रहे हैं। तो आप भी जहाँ आपकी पोइम थर्ड एंड हुई है उसी से आगे स्टार्ट करेंगे, लेसन फॉर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। सबसे पहले अपने इसका वर्ड मीन करेंगे, तो देखते हैं वर्ड मीन। सबसे पहले है स्पेस, एस पी ए सी ई, स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। स्पेस टल, एस पी ए सी ई एस एच यू डबल टी एल ई, स्पेस टल, अंतरिक्ष यान। उसके बाद में स्पेस क्राफ्ट, एस पी ए सी ई सी आर ए एफ टी, स्पेस क्राफ्ट। इसका मतलब भी होता है अंतरिक्ष यान। स्पेस स्टेशन, एस पी ए सी ई एस टी ए टी आई ओ एन, स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष केंद्र। आगे है क्रू, सी आर ई डब्ल्यू, क्रू। क्रू मीन्स होता है क्रमी दल या चालक दल। आगे है फ्रंटियर्स, एफ आर ओ एन टी ई आर एस, फ्रंटियर्स, सीमाएं। नेक्स्ट है ग्रेजुएट, जी आर ए डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट, स्नातक। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल, ए ई आर ओ एन ए यू टी आई सी ए एल, एरोनॉटिकल। वैमानिक, इंजीनियरिंग, ई एन जी आई एन डबल ई आर आई एन जी, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट, ए एस टी आर ओ एन ए यू टी, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर, आई एन एस टी आर यू सी टी ओ आर, इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक या शिक्षक। कंसिडर, सी ओ एन एस आई टी ई आर, कंसिडर, विचार करना। नेक्स्ट है चैलेंज, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई, चैलेंज, चुनौती। नेक्स्ट है परसुइंग, पी यू आर एस यू आई एन जी, परसुइंग, कर रही, डूइंग, या इसका मतलब ये भी होता है पीछा कर रही, पीछा करना। ऑब्जर्व, ओ बी एस ई आर वी ई, ऑब्जर्व, निरीक्षण। पॉलीनेट, पी ओ एल पी ओ डबल एल आई एन ए टी ई, पॉलीनेट, परागण करना, सेचन करना, यानी कि पौधों की वृद्धि का पता लगाने के लिए उस पर पराग छिड़कना। ग्लूड, जी एल यू ई डी, ग्लूड, चिपके रहे। शोक, एस एच ओ सी के, शोक, झटका या सदमा। डिसबिलीफ, डी आई एस बी ई एल आई ई एफ, डिसबिलीफ, अविश्वास। जर्नलिस्ट, जे ओ यू आर एन ए एल आई एस टी, जर्नलिस्ट, पत्रकार। बायोलॉजी, बी आई ओ एल ओ जी वाई, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, ए एस टी आर ओ पी एच वाई एस आई सी एस, एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपेडिक, ई एन सी वाई सी एल ओ पी ए ई डी आई सी, एनसाइक्लोपेडिक, विश्वकोशीय। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन, आई एन एस पी आई आर ए टी आई ओ एन, इंस्पायरेशन, प्रेरणा। तो मैं एक बार फिर से इन मीनिंग्स को हाइलाइट्स कर रहा हूँ, आप इन्हें वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और उसे इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। तो सोचिए, हमने लेसन में पढ़ा था कि कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था और जब वह यूएस गई तो वहाँ उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली और वहीं के एक अनुदेशक से शादी कर ली, तो इसलिए उसको यूएस की नागरिकता प्राप्त करने के कारण और इंडिया में जन्म लेने के कारण इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। तो देखते हैं आंसर, कल्पना चावला वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, कि कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ। बॉर्न एज इंडियन सिटीजन, सी लेटर बिकम ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, भारतीय नागरिक के तौर पर जन्म लेने के बाद में वह यूएस की एक अधिकृत नागरिक बन गई, सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। सेकंड नंबर देखते हैं, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी, कि वह कब और क्यों यूएस गई और उसने किसके साथ शादी की। तो आंसर देखते हैं, सी वेंट टू द यूएस टू डू हर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स डिग्री, कि वह यूएस अपनी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करने के लिए गई जब उसने अपनी बैचलर की डिग्री पूरी कर ली। शी मैरिड जीन पियरे हैरिसन एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यानि कि उन्होंने अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की। थर्ड नंबर है, हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वह अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और ऐसा क्या था कि उसे विचार आया कि वह भी एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती थी। तो देखते हैं आंसर, इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, 1994 में वह नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री, एक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुनी गई। हर फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन द स्पेस टल कोलंबिया, और उनका पहला अंतरिक्ष अभियान है वो स्पेस टल कोलंबिया में था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, द आइडिया टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट केम टू हर माइंड, पायलट के लिए क्वालिफाई करने के बाद उसके दिमाग में अंतरिक्ष यात्री बनने का विचार आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, पत्रकार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन सी योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो ए लॉट अबाउट बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि पत्रकार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक व्यक्ति को बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें कि जीव विज्ञान, खगोल भौतिकी और वैमानिक अभियांत्रिकी के बारे में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ही और शी मस्ट हैव ए बेस्ट नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट, और चाहे वह आदमी है चाहे वह औरत है, उसके पास एक बहुत से विषयों का विस्तृत ज्ञान भी होना चाहिए। फिफ्थ नंबर है, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, तो कल्पना चावला का जो प्रथम अभियान था अंतरिक्ष में उसके बारे में बताना है। कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस वाज अबाउट स्पेस टल कोलंबिया, कि कल्पना का पहला अभियान है वो कोलंबिया अंतरिक्ष विमान के अंदर अंतरिक्ष में था। द मिशन लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours and 34 minutes, और यह अभियान 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक चला। सी सर्कल्ड द अर्थ 250 टाइम्स, और उसने 252 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए, एंड ट्रैवल 10.5 मिलियन किलोमीटर्स, और उसने 10
0.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की। द क्रू परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स रिलेटिंग टू फूड ग्रोथ इन स्पेस मेटल्स एंड कंप्यूटर चिप्स। और इस दल ने बहुत अधिक खोजें की जो कि भोजन की वृद्धि से संबंधित, धातुओं से संबंधित और कंप्यूटर चिप से संबंधित थी। तो यानी कि उसका फर्स्ट मिशन कैसा था, तो पहला मिशन स्पेस टल कोलंबिया से था जो कि 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट चला। उसने 252 चक्कर पृथ्वी के लगाए, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की और उनके दल ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम, डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। कि कल्पना चावला एक स्वप्न रखने के बारे में क्या कहती है और क्या आप उसकी सफलता की संभावना के बारे में सहमत हैं। तो देखते हैं आंसर। कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। कल्पना चावला कहती है कि सपनों से सफलता की राह मौजूद है, यानी कि वो कहती है कि सपनों में सफलता की राह मौजूद है, लेकिन करना क्या है। वन नीड्स टू हैव द विजन टू फाइंड इट। और उसके लिए इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास दृष्टि होनी चाहिए एंड द कोरेज टू गेट इट, और इसे प्राप्त करने का साहस भी। यस आई एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। हाँ मैं सहमत हूँ कि सफलता है वो संभव है। तो अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बचे हुए क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।